हे गाइस, वेलकम टू विक्रांत विला ब्लॉग्स। गाइस, आज इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है कि मैं अपना सिस्टम क्लीन कर रहा था, ये जो सीपीयू फैन होता है, मैं इसको अपने मदरबोर्ड से निकाल रहा था। सिस्टम का ये मेरा मदरबोर्ड है, इससे मैं निकाल रहा था। निकालने के बाद जैसे ही मैंने इसको लगाया, अब दिक्कत क्या हो गई, किसकी ये पिन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है और इसकी ये पिन यहाँ से टूट गई मेरे से। अब क्या है, या तो मुझे फ़ैन बदलना पड़ेगा या फिर इसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसका एक जुगाड़ देखा, तो मैंने मार्केट से इसकी पिन ले ली। वैसे तो ये फ़ैन 300 या 400 रुपीस का आएगा आपका, लेकिन अगर आपको मार्केट से ये बाहर से पिन आ जाती है, इसकी मैनुअल पिन होती है, मैनुअल सॉकेट, ये दिख रहा होगा आपको, ये मैनुअल सॉकेट अगर आप लगाओगे 10 रुपये का आता है। इससे क्या है कि आपको फ़ैन दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा, वरना सीधा 400 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं मार्केट से पिन लेके आया, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो बहुत महंगी दिखा रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 168 रुपीस की 4 पिन दिखा रहे हैं। मैं यहाँ मेरे नियर बाय शकरपुर मार्केट है, मैं वहाँ से ले आया। आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप जो लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर करते हो, वहाँ से ले सकते हो, बहुत ही सस्ती मिलती है 10 रुपये की। अब आपको क्या करना है, इसको करना है फिट इसके अंदर, तो मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ, वो बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाएगा। बहुत से लोगों के कंसर्न देखे हैं इस पर कि हमारे फ़ैन की क्लिप माउंटिंग टूट गई है और अब वो लग नहीं रही, इसकी वजह से अब हमें क्या करना है, पूरा फ़ैन चेंज करना पड़ जा रहा है। तो फिर ये हमारे लिए पूरा यूज़लेस हो जाता है, किसी काम का नहीं आता, लेकिन मार्केट में इसको यूज़ करते हैं लोग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ये टूटा हुआ है, इसको मैं कैसे इसमें लगाता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्लिप को। आप देख रहे हो क्लिप इसके अंदर लगी हुई है, इसके अंदर इन्होंने ये लॉक सिस्टम लगा रखा है। तो सबसे पहले इस लॉक सिस्टम को हमें निकालना है, इसको बड़े ध्यान से करना है। आपको एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, स्क्रू ड्राइवर लेके ये जो आपकी पिन है, इसको तोड़ना नहीं है, हल्का सा प्रेस करना है। ये देखो, मैं थोड़ा सा उठाया, यहाँ से हल्का सा उठा रहा हूँ, इसे ऊपर की तरफ खींचना है ताकि ये लॉक हट जाए। देखो, जैसे मैंने ऊपर की तरफ खींचा, ये लॉक से बाहर आ गया, और अब इसे बस खींचना है, थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, ये निकल गया पिन। देख रहे हो आप गाइस, इतना इजी है ये पिन निकालना। अब ये क्या हुआ गया था इसमें कि मेरी ये जो क्लिप की ये चीज़ है, देखो दो ये होती है, मैं आपको सही वाली दिखाता हूँ, इसमें दो बने होते हैं और मेरा देखो एक टूट चुका है, जिसकी वजह से ये मेरे उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। अब गाइस, ये पिन तो निकल चुकी है, अब इसको हम लगाएंगे नई वाली पिन के साथ। यहाँ पर देखो, इसके 2 पॉइंट्स है, ये रही मेरी पिन। इसको क्या करना है, आपको इसके अंदर डालना है, जो एरो रहेगा आपका ये लेफ़्ट साइड रहेगा। अगर मैं अपने फ़ैन में देखूं, ये लॉक सिस्टम लेफ़्ट साइड है एरो, तो मैं अपने इसमें भी ये एरो लेफ़्ट साइड रखूंगा। यहाँ पे मैंने लिया, ये एरो लेफ़्ट साइड करा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको लेना है। गाइस, यहाँ पे अगर आप इसकी बनावट देखोगे तो ये पहले राउंड है, यहाँ पर इसका एक एज सा निकला हुआ है। ये एज अगर आप यहाँ देखोगे, इसके अंदर यहाँ पर भी है, तो इसको इस एज की तरफ से लेके जाना है, यहाँ पे एच की तरफ से लेके जाओगे, और फिर क्या करना है, इसको अंदर की तरफ प्रेस करोगे, हो गया, सिंपल हो गया ना। मात्र 10 रुपये की क्लिप हमने लगाई, वो फिट बैठ गई और हमारा फ़ैन भी बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया फ़ैन है। इसको अभी हम लगाएंगे अपने उसमें और एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ये 10 रुपये में हमने अपना फ़ैन ठीक कर लिया है। और गाइज, अगर आप अमेजोन इनसे मंगाओगे तो बहुत महंगे हैं ये, 168, 150, 200 रुपये में क्लिप है। आप नियर बाई मार्केट से जाओ, वहाँ से लो, बड़ी इजी पड़ जाता है। अब इसको मैं लगा देता हूँ अपने मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड ये रहा मेरा। मैंने रेगुलर क्लीनिंग के लिए ओपन करा था, लेकिन रेगुलर क्लीनिंग में क्या हुआ, जैसे मैंने इसको फिट कर रहा था इसमें फ़ैन को, तो ये कटआउट टूट गया था, तो अब मेरे को सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। फिर मैंने इसको मार्केट में क्लिप पता करी तो लगाया, तो बढ़िया हो गया। सो दोस्तों, मैं इस फ़ैन को लगाऊंगा, उससे पहले मैंने जो क्लीनिंग के लिए ओपन करा था, एक्चुअली क्या था, मेरा सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा था हीट की वजह से। तो मैंने जो देखा था, जो मेरा हीट सिंक था वो हट चुका था, मतलब जो इस थर्मल पेस्ट लगा होता है वो हट चुका था। तो मैं मार्केट से इसका थर्मल पेस्ट लेके आया हूँ एंड वही मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। तो थर्मल पेस्ट भी, ये रहा थर्मल पेस्ट, 50 रुपये का मिल जाता है आपको, वही लगाने जा रहा हूँ मैं इसमें। ये 50 रुपये का थर्मल पेस्ट है,
और इतना थर्मल पेस्ट आपको अगर ऑनलाइन मंगाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा, 100-200 का मिलेगा या 300 का मिलेगा। ये मैं 50 रुपये में लाया हूँ मार्केट से। तो दोस्तों हम एडजस्ट कर रहे हैं फ़ैन, फ़ैन एडजस्ट करते वक्त आपका हाथ मिडिल में होना चाहिए। गाइस फाइनली मेरा फ़ैन इंस्टॉल हो गया अच्छी तरीके से। नीचे भी देखोगे तो चारों क्लिप बाहर आ चुकी है, आप ये देख रहे हो ना, ये वाइट क्लिप है, इसके अंदर ब्लैक से आ रहा है, ये पूरा बाहर आ रहा है। फाइनली मेरा काम बन गया। तो दोस्तों आप भी अपना फ़ैन आराम से ठीक कर सकते हैं ओनली 10 रुपये में।